जो वासना मनुष्य के मन में दृढ़ रहती है, उसी वासना के अंतर्गत मनुष्य का दूसरा जन्म होता है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्ते सदा तद भाव भाविता। प्रभु, भगवान श्री कृष्ण ये क्या कह रहे हैं कि मृत्यु के समय मनुष्य के मन में जो वासना या अधूरी कामना होती है, मनुष्य का अगला जन्म उसी के अंतर्गत होता है, इसका क्या अर्थ है? देवी, इस समय भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है वो अत्यंत गोपनीय है और गूढ़ ज्ञान है, बल्कि इसे एक गुप्त विद्या ही समझो। जिसे ये विद्या आ जाए उस प्राणी को बड़े सहज तरीके से मोक्ष मिल जाता है। मैं समझी नहीं भगवान, ये गुप्त विद्या क्या है? देवी, ये गुप्त विद्या मरने की विद्या है। प्रभु का कहना है कि प्राणी ने चाहे कैसा भी जीवन व्यतीत किया हो, अंतकाल में यदि वो एकाग्र मन होकर केवल प्रभु का ध्यान करते हुए शरीर का त्याग करे तो वो सीधा परमात्मा के चरणों में पहुंच जाता है, जहां से उसे वापस नहीं आना होता। अंतमता सोई गता, अर्थात मृत्यु का क्षण बड़े महत्व का क्षण होता है। इस क्षण में प्राणी जिस बात का ध्यान करता है उसी के अनुसार उसे दूसरा जन्म प्राप्त होता है। भगवान, इस गूढ़ बात को कोई उदाहरण देकर समझाने की कृपा करें। देवी, इस संबंध में महर्षि जड़भरत से अच्छा क्या उदाहरण हो सकता है? जड़भरत एक निष्पाप ऋषि थे। वो मुक्ति के द्वार तक पहुंच चुके थे। उन्होंने हिरण के एक बेसहारा बच्चे को पाल लिया था। उस बच्चे से उनका मन इतना लग गया था कि हर समय उन्हें हिरण के बच्चे की ही चिंता लगी रहती थी। यहां तक कि अपनी मृत्यु के समय भी उनका ध्यान उसी बच्चे में था। बस अंतिम क्षण में भी चूंकि उनका ध्यान उसी बच्चे की ओर ही था, इसी कारण अगले जन्म में उन्हें हिरण की योनि मिली थी। प्रभु, मृत्यु के समय का इतना महत्व क्यों होता है? देवी, मनुष्य की मृत्यु का समय मोक्ष का अवसर होता है। ऐसे समय में यदि मनुष्य अपने विधाता से मिलन के बदले उसकी माया के मोह में पड़ा रहे तो ये विधाता का अपमान जैसा ही है। विधाता का अपमान जैसा ही है कि वो अपने विधाता से अधिक महत्व उसकी बनाई हुई माया को देता है, इसलिए उसे मृत्यु के बाद स्वर्ग तो मिल सकता है परंतु मोक्ष नहीं मिल सकता। इसीलिए देवी, मृत्यु के समय मनुष्य को संसार की किसी वस्तु में नहीं, केवल अपने परमात्मा में ध्यान लगाना चाहिए। हे योगेश्वर,
आपने मेरे कई प्रश्नों के उत्तर दिए। एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं। सुना है कि मृत्यु के समय मनुष्य को बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, चाहे वो मृत्यु युद्ध भूमि पर किसी शस्त्र के घातक घाव के कारण हो या अपने आप आए। क्या मृत्यु को आसान बनाने का कोई तरीका नहीं है? हे अर्जुन, प्रश्न मृत्यु को आसान बनाने का नहीं है, बल्कि जीवन मृत्यु के चक्र से निकलकर मोक्ष प्राप्त करने का है। यदि मनुष्य मृत्यु के समय यह विधि अपनाए जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, तो उसे तुरंत मोक्ष प्राप्त होगा और वो सीधा मेरे धाम को पहुंचेगा। वो गोपनीय विधि क्या है माधव? प्राण त्यागते समय अपनी सभी इंद्रियों के द्वार को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर करके और प्राण को मस्तिष्क में स्थापित करके परमात्मा का स्मरण करते हुए ओम ओम मंत्र का उच्चारण करें तो वो मनुष्य जीवन भर कितना ही पापी क्यों न रहा हो, उसे मोक्ष अवश्य प्राप्त हो जाएगा। ऐसा दुराचारी पापात्मा जन्मों जिसने पाप कमाए, लेकर भाव अनन्य वो अर्जुन मेरी शरण में यदि आ जाए, धर्मात्मा हो जाए उसी क्षण जिस क्षण मुझ में चित्त लगाए, मेरे भक्त का नाश न हो कभी, मेरी कृपा से मुक्ति वो पाए, मेरा आश्रित मेरी कृपा से शाश्वत शांति परम सुख पाए।